चार जिलों में कई रैलियों को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। दोपहर 12:15 पर कुशीनगर में गर्जेंगे अमित शाह। दोपहर 1:45 पर संत कबीर नगर में प्रस्तावित है उनके जनसभा जो है वो, और दोपहर 3:00 सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सतीश द्विवेदी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, रैली करेंगे, और शाम 4:30 बस्ती में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आपको बता दें कि आज लगातार ताबड़तोड़ दौरे हैं और इसके साथ ही रैलियां होंगी। तो लगातार आज ताबड़तोड़ दौरे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसके साथ ही कई जिलों में उनकी जनसभाएं भी प्रस्तावित हैं। और तमाम जिलों से हमारे साथ इस वक्त संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्ती से रत्नेश्वर जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही संतोष गौड़ हमारे साथ कुशीनगर से, सिद्धार्थनगर से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका संतोष रुक करेंगे क्योंकि कुशीनगर वो सबसे पहले पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अभी वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से जनसभाएं होंगी, कितने लोग पहुंच सकते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? कुशीनगर से विधानसभा कुशीनगर में आज उनका कार्यक्रम होने वाला है। 12:15 से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुजन पाठक के लिए आज रैली करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि लीलावती पार्क में उनका कार्यक्रम लगाया गया है। 12:15 से वो आएंगे और कुशीनगर विधानसभा के करीब करीब भारी संख्या में आज वहाँ लोगों का पहुँचने का उम्मीद किया जा रहा है, इसलिए कि आज एक लंबे समय से अमित शाह का इंतजार हो रहा था और सीएम पाठक की एक जिताऊ प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में आज अमित शाह कुशीनगर विधानसभा में 12:15 से रैली करेंगे। बिल्कुल। और दुर्गेश, अगर हम जिक्र करें सिद्धार्थनगर में अभी किस तरह की तैयारियां हैं, जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे वहां पर प्रशासन कितना चाक चौबंद नजर आ रहा है, इसके साथ ही वहां पर कितनी जनता जो है वो इकट्ठा हो सकती है इस जनसभा में? यहाँ पे अभी दोपहर के बाद का ही कार्यक्रम है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई है, प्रशासन भी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। रत्नेश्वर, बस्ती में कितने बजे तक वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल कहाँ बनाया जा रहा है और कितने लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? जितनी मैं आपको बता दूं, बीजेपी के तारक कहे जाने वाले अमित शाह आज बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा में 4:15 से इनका कप्तानगंज विधानसभा के इंदिरा गांधी जो इंटर कॉलेज है यहाँ 4:15 पर लैंड करेगा। उसके बाद वहां से वो जनसभा स्थल आएंगे, यहाँ से लगभग तकरीबन आधा घंटा वो यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीए चंद्रकांत शुक्ला जो कप्तानगंज विधानसभा के सिटिंग विधायक हैं उनके पक्ष में लगभग 3,60,000 जो मतदाता है कप्तानगंज में, उनसे इस 5 साल जो 5 साल बीजेपी ने कार्य किए हैं उसको उनकी उपलब्धियां बताएंगे और जनसभा के माध्यम से बीजेपी विधायक जो सिटिंग विधायक हैं सीए चंद्रकांत शुक्ला उनके पक्ष में जनसभा के माध्यम से जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। दीप्ति बिल्कुल। और कुशीनगर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, तो कार्यक्रम किस तरह से होगा अमित शाह का, इसके बारे में तो जानकारियां हमारे संवाददाता ने दी है। और अब सीधे जो है संतोष आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार जनसभाएं की जा रही हैं कुशीनगर, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, ऐसे में वहां पर अभी अगर हम बात करें चुनावी बयार की तो किस तरह से नजर आ रही है? चुनाव बिहार की बात अगर हम करें तो एकदम से पूरा का पूरा मामला बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ आ रहा है कि कुशीनगर विधानसभा 7 विधानसभाओं में पूरा जिला बटा हुआ है और ये कहें तो 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही है, जिसमें पीएल पाठक जो कि कुशीनगर विधानसभा के प्रत्याशी है तो वो भी कहीं ना कहीं एक जिताऊ प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहा है। हालांकि उनके विपक्ष में राजेश प्रताप राव बंटी भैया जो की समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, हालांकि वो भी जमीनी नेता है और काफी दिनों से वो मेहनत करते काफी प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पीएल पाठक काफी मजबूत वहां पे और जो आज अमित शाह जी का जो कार्यक्रम कुशीनगर विधानसभा में हो रहा है तो इसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं हुआ कि आने वाले विधानसभा वोट पड़ रहा है, क्योंकि
राजेश ठीक है, दुर्गेश सिद्धार्थनगर में किस तरह से वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह की चुनावी टक्कर जो है देखने को मिल रही है? जी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक है डॉक्टर सतीश द्विवेदी, ये इटवा विधानसभा जो है ये सपा का एक तरह से गढ़ माना जाता था और यहाँ के पांडे तो इन्होंने 2017 में ही शिकस्त दी थी सतीश द्विवेदी जी, और ये लगातार जो अपना जीत का ये कायम कर रहे थे, लगातार हैट्रिक मार रहे थे, इसमें सेर लगाने का काम जो है भाजपा ने 2017 में किया हुआ था। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी यहाँ के जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री सदन प्रभार भी ये है और अभी उम्मीदें जो है काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और जी बिल्कुल रत्नेश्वर, अगर हम जिक्र करें बस्ती का तो वहां पर किस तरह से जनता की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें कहाँ किस पलड़े पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ ही जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियों की जो चुनावी बयार है वो किस तरह से बस्ती में नजर आ रही है? इतनी मैं आपको बता दूं, बीजेपी की एक योजना है जो राशन योजना है, ये योजना सभी पार्टियों पर भारी पड़ रही है और इसी योजना को बताने के लिए और अयोध्या योजना को बताने के लिए आज अमित शाह गोपालगंज विधानसभा में पहुंचेंगे। तकरीबन 360,000 जो मतदाता हैं उनमें से ब्राह्मण की जो जीता सत्ता में लाने के लिए कई पार्टियों से ब्राह्मण ज्यादातर ब्राह्मण प्रभु सम्मेलन आई पार्टियां के ब्राह्मण जो कप्तानगंज विधानसभा में जो 55,000 है ये बीजेपी के कहीं ना कहीं ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोटरों की दावा करती है, बीएसपी जो बीएसपी ने यहाँ जहीर अहमद जिम्मी को उतार कर समाजवादी पार्टी की एक मुश्किलें खड़ी कर दी है। तकरीबन यहाँ 40,000 जो तकरीबन 40,000 मुस्लिम मतदाता है कहीं ना कहीं वो बीएसपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कप्तानगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं पल रहा बैक होता है। यहाँ बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं सी चंद्र सुगड़ा कहीं ना कहीं उनका पड़ रहा है, यहाँ कप्तानगंज विधानसभा में भारी पड़ रहा है। ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से जीत कौन दर्ज कर पाएगा, लेकिन ये यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई साबित हो जा रही है। ठीक है, वक्त तो ज्यादा नहीं बचा है और 10 मार्च को साफ हो जाएगा कौन किसकी जीत हो पा रही है किसकी हार हो पा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा तमाम अपडेट।